मसूरी, जिसे पहाड़ों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों की रानी। ओ, पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स। मसूरी किसी रानी की तरह सजी संवरी। यहाँ तो शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग आदि हिल स्टेशंस भी अपनी अद्वितीय अतुलनीय सुंदरता के कारण क्वीन ऑफ हिल्स कहे जाते हैं। और इस वीडियो में उत्तराखंड के क्वीन ऑफ हिल्स कहे जाने वाले डेस्टिनेशन मसूरी को जानने के साथ देखेंगे यहाँ के कुछ टॉप अट्रैक्शंस और जानेंगे क्या बातें हैं जो मसूरी को बनाती हैं खास। पॉपकॉर्न ट्रिप के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देहरादून से मसूरी रोड ट्रिप पिछले वीडियो में आप देख ही चुके होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब आगे, मसूरी को इसका नाम एक समय यहाँ बहुतायत में मिलने वाली मंसूर नाम की झाड़ियों से मिला। मंसूर झाड़ियों से मिला नाम मंसूरी समय के साथ बदलकर मसूरी हो गया। मसूरी प्रवेश के लिए दो एंट्रेंस हैं, एक लाइब्रेरी चौक से और दूसरा पिक्चर पैलेस से, जहां से हमने अपनी इस यात्रा में मसूरी नगर क्षेत्र में प्रवेश किया। 150 रुपये फोर व्हीलर के एंट्री चार्ज, टैक्सी के 200 रुपये। समुद्र तल से लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के समीप बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने सुरम्य दृश्यों, हरे भरे जंगलों के साथ यहाँ के सुंदर लैंडस्केप्स के लिए भी जाना जाता है। मसूरी को 1820 में अंग्रेजों द्वारा अपनी सैन्य छावनी के लिए बनाया गया था। एक आयरिश सिटीजन कैप्टन यंग इस जगह की सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्होंने यहां अपना घर बनाने का फैसला किया। मुलिंगर मैंसन, जिसे मुलिंगर हाउस नाम से भी जाना जाता है, 1825 में कैप्टन यंग द्वारा बनाया गया था, जो मसूरी में बसने वाले पहले यूरोपीय लोगों में से एक थे। यह हवेली अब एक हेरिटेज होटल के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करती है। कैप्टन यंग के बाद धीरे धीरे मसूरी हिल स्टेशन के रूप में विकसित होने लगा। गर्मियों के दिनों में यह ब्रिटिशर्स के लिए पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन बन गया। मसूरी मॉल रोड में पिक्चर पैलेस के निकट एक होटल में रूम बुक करवाया था। मैं चेक इन करने के बाद कुछ देर आराम किया और इसके बाद हम पहुंचे मॉल रोड में घूमने। पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी चौक 2 किलोमीटर लंबी मॉल रोड से जुड़ा है और यही मॉल रोड मसूरी का सबसे बड़ा आकर्षण है, जहां पैदल अथवा रिक्शे पर बैठकर घूमना समय में पीछे लेकर जाता है। और यहां घूमते हुए दिखते हैं आधुनिक इमारतों के साथ कॉलोनियल भवन भी। मसूरी में कैंपटी फॉल सहित आसपास के कुछ स्थानों के नाम स्क्रीन में देखी जा सकती है। मॉल रोड में टहलना मसूरी आने वाले पर्यटकों की सबसे पसंदीदा गतिविधि है। इसे मॉल रोड के किसी भी एक सिरे यानी पिक्चर पैलेस अथवा लाइब्रेरी चौक से शुरू कर दूसरे सिरे पर पूर्ण किया जा सकता है। मॉल रोड में घूमते हुए दिखा गन हिल के चढ़ाई के लिए जाता मार्ग। यहां से टैक्सी, रोपवे या पैदल किसी भी तरीके से पहुंचा जा सकता है। हमने पैदल चलने का विकल्प चुना। लगभग 500 मीटर के पैदल मार्ग में चढ़ाई चढ़ने के लिए फेफड़ों की परीक्षा हो जाती है। मार्ग से नीचे दिखता है मसूरी का बर्ड आई व्यू। और लगभग 30 मिनट में धीमे कदमों से चलते हुए हम पहुंचे गनहिल। गनहिल मसूरी नगर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहां मंदिर भी हैं और साथ ही वाटर टैंक भी, जिससे मसूरी के लिए पानी की सप्लाई होती है। यहां अम्यूजमेंट पार्क, फास्ट फूड स्टॉल्स के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ मैजिक शॉप और हॉन्टेड हाउस भी हैं। और यह गनहिल में रोपवे का ऊपरी सिरा। इसका नाम गनहिल पॉइंट होने का कारण शायद यहाँ ब्रिटिशर्स शूटिंग की प्रैक्टिस करते रहे होंगे। इंटरनेट सर्च करने पर जो वजह पढ़ने को मिली वो मनोरंजक और काल्पनिक ज्यादा और वास्तविक कम लगती है।
जैसे एक कहानी कहती है कि ब्रिटिश समय में यहाँ समय बिताने के लिए ब्रिटिशर्स तोप से हर घंटे के बाद गोले दागते थे, यानी जितना बज रहा होता उतने गोले। अब सोचने की बात यह है कि क्या वास्तव में इतना खर्च और ऐसे संसाधनों का दुरुपयोग होता होगा उस समय, और वह भी इतनी शांत प्रकृति से घिरी जगह में। हमारा ख्याल है कि या तो अंग्रेजों को टीपू सुल्तान के हथियारों का जखीरा मिल गया होगा, या तोप के इन गोलों की एक्सपायरी डेट नज़दीक होगी। वैसे हर घंटे की जानकारी उन्हें देनी ही थी तो ढोल, बिगुल या कोई घंटा बजाकर भी तो दे सकते थे। गनहिल का यह नाम होने की एक और दिलचस्प कहानी जानने को मिली। अंग्रेज अधिकारी अपनी पत्नियों के साथ दोपहर 12 बजे घूमने के लिए निकलते, और वो लोग नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नियों को यहाँ के स्थानीय लोग देखें, जिसकी वजह से वो लोग दोपहर 12 बजे तोप से गोले दागते थे। स्थानीय लोग इस आवाज़ को सुनकर अपने घरों में चले जाते। यह बात भी विचित्र लगती है, मसूरी जैसी रमणीय जगह में दोपहर 12 बजे कौन सा घूमने का समय हुआ भला? क्या सुबह शाम नहीं घूमती थी वो, और कोई देख भी ले तो उससे क्या होगा? तब तो मोबाइल कैमरा और CCTV जैसी चीजें भी नहीं थी जिससे प्राइवेसी में दखल हो। गनहिल मसूरी की ऊंची जगह में स्थित है, यहाँ होने वाली कोई भी गतिविधि मसूरी टाउन से नहीं देखी जा सकती। यहाँ पर कुछ देर घूमने के बाद गनहिल की पहाड़ी से उतरकर तस्वीर इकट्ठी करते हुए हम पहुंचे मॉल रोड के दूसरे सिरे लाइब्रेरी चौक पर। लाइब्रेरी चौक में कई दुकानें और रेस्टोरेंट भी हैं। इस चौक का नाम यहाँ स्थित ब्रिटिश कालीन लाइब्रेरी के कारण पड़ा, और यह भारत के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है। मसूरी पब्लिक लाइब्रेरी 1843 में शुरू हुई। यहाँ से एक मार्ग मॉल रोड को और दूसरा मार्ग कंपनी बाग और कैम्प्टी फॉल्स और उससे आगे यमुनोत्री आदि स्थानों को भी जाता है। कंपनी बाग और कैम्प्टी फॉल्स को इस वीडियो में आगे देखेंगे। लाइब्रेरी चौक में लगी बेंचेज में बैठकर, अगर वो खाली हो तो, नहीं तो खड़े रहकर भी यहाँ से मसूरी की घाटियों के मनोरम दृश्यों को देखकर अपनी मसूरी यात्रा में बेहतरीन यादगार पल जोड़े जा सकते हैं। मॉल रोड शाम के समय केवल पैदल चलने के लिए ही खुली रहती है। मसूरी की मॉल रोड में घूमना विशेष रूप से शाम के समय यहाँ की मेमोरीज को अविस्मरणीय बनाने के लिए पर्याप्त है। मॉल रोड पर चलते हुए सड़क के किनारे सजीवी दुकानें, आकर्षक रेस्टोरेंट्स, रोशनी से चमचमाते होटल्स दिखते हैं। गर्मियों, वीकेंड और लॉन्ग हॉलीडे के समय तो यहाँ अच्छी खासी संख्या में लोग भी दिखते हैं, और लोगों की चहलकदमी और उनके उत्साह को देखते हुए मॉल रोड में सैर करने का आनंद सभी को एनर्जेटिक कर देता है। मसूरी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा स्थान रहा है। मसूरी में एक तिब्बती मार्केट भी है जहाँ गर्म कपड़ों के साथ हैंडमेड सामान बिक्री के लिए उपलब्ध है। मसूरी में कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। मॉल रोड में घूमते हुए अब हम पहुंचे पिक्चर पैलेस। यह नाम यहां के एक सिनेमा हॉल के नाम पर रखा गया था जहां अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है। पिक्चर पैलेस चौक से लंढौर बाजार या आसपास के क्षेत्रों को टहलने के लिए भी जा सकते हैं। मसूरी की एक विशेषता है कैमल्स बैक रोड। यह 3 किलोमीटर लंबा है जो ऊंट के हंप जैसा दिखता है। पहले दिन हम मसूरी नगर क्षेत्र में और मॉल रोड में ही घूमे, और अगले दिन निकले सबसे पहले कंपनी गार्डन की सैर करने, जो लाइब्रेरी चौक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक आकर्षक स्थान है। यहाँ पैदल अपने वाहन से या स्थानीय टैक्सी द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। यदि पैदल चलना पसंद करते हैं और एक दिन में ज्यादा जगह कवर नहीं करना चाहते तो लाइब्रेरी चौक से कंपनी गार्डन तक पैदल भी जा सकते हैं। इस वॉक से मसूरी को और करीब से जानने में मदद मिलेगी। कंपनी गार्डन की स्थापना 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी।
शुरुआत में इसे ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता था। समय के साथ यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। यह उद्यान बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है और यहां कई आकर्षण दिखते हैं। एक नर्सरी, बच्चों का मनोरंजन पार्क और फूड कोर्ट भी है। यहां एक वॉकिंग ट्रैक भी है जो बगीचे से होकर गुजरता है, जिसमें इत्मीनान से घूमते हुए इस जगह की सैर की जा सकती है। गर्मियों के महीने के दौरान कंपनी गार्डन में एक फ्लावर शो भी होता है, जिसमें पूरे भारत से पर्यटक आते हैं। कंपनी गार्डन मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने और अच्छा समय बिताने के लिए एक आइडियल जगह है। मसूरी में शांति और सुकून के कुछ पल बिताने के लिए एक और विशेष स्थान है बौद्ध मंदिर और दलाई हिल्स। प्रकृति की गोद में बसे दलाई हिल्स के लिए मसूरी से कंपनी गार्डन जाते हुए रास्ते में एक अलग मार्ग है। यहाँ सन 1960 में स्थापित एक तिब्बती स्कूल भी है। यह है बौद्ध धर्म का प्रार्थना स्थल बौद्ध स्तूप। यहां से आगे चलकर एक ऊंचे टीले पर पहुंचे, जिसे दलाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर है भगवान बुद्ध की एक दिव्य प्रतिमा। दलाई हिल्स में जब हम पहुंचे, तेज हवा चल रही थी, जिससे यहां लहराते हुए बुद्ध धर्म की झंडियां और पताकाएं और भी मनमोहक दिखाई देती हैं। दलाई हिल्स से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का सुंदर दृश्य नजर आता है। पहाड़ी की इस चोटी से लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी का परिसर भी दिखाई देता है, जहां देश भर के आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी प्रशिक्षित होते हैं। इसी के समीप एक बौद्ध मंदिर भी स्थित है। मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी चक्राता मार्ग में स्थित है कैंप्टी फॉल, जो पिकनिक और तैराकी के लिए लोकप्रिय स्पॉट है, जहां लगभग 40 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना विजिटर्स का पसंदीदा सैरगाह है। दस्तावेजों के अनुसार इस फॉल्स का पता सबसे पहले 1835 में जॉन मैकनिक नामक एक ब्रिटिश अधिकारी को लगा। गर्मियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। यहाँ अपने वाहन टैक्सी, रोपवे या टू व्हीलर रेंट पर लेकर भी पहुँच सकते हैं। कंपनी गार्डन और कैंप्टी फॉल से वापस लाइब्रेरी चौक और फिर यहाँ से पिक्चर पैलेस चौक पहुँचने के बाद हम निकले लंढौर घूमने के लिए। लंढौर जाते हुए पहले नजर आती है लंढौर की बाजार और बाजार क्रॉस करने के बाद यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। चढ़ाई में चढ़ते हुए बौद्ध मठ भी नजर आता है और जैसे जैसे इस रास्ते में चढ़ाई चढ़ते जाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ने लगता है। रास्ते के दोनों ओर बांज, पुरांस आदि हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। लंढौर प्रकृति प्रेमियों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लंढौर में ब्रिटिश काल में सेना की छावनी थी। उस समय की कई पुरानी इमारतें और स्ट्रक्चर यहाँ आज भी खड़े हैं, जिनमें लंढौर बाजार, सेंट पॉल चर्च और लंढौर क्लॉक टावर शामिल है। लंढौर की चढ़ाई चढ़ते हुए हम पहुंचे चार दुकान, जो लंढौर का एक लोकप्रिय लैंडमार्क है, जहां से लंढौर पैदल घूम सकते हैं। चार दुकान से बाईं ओर जाकर कुछ मिनट्स में ही पहुंच सकते हैं लाल टिब्बा, जो इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहां से सुंदर नजारों का आनंद लिया जा सकता है। इस शहर ने कई लेखकों और कवियों को भी प्रेरित किया है।
यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण, शांत परिवेश से दुनिया भर के क्रिएटिव लोग आज भी आकर्षित होते हैं। मसूरी के इस वीडियो में आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर बताएं, जिससे हमें अगले वीडियो को भी और बेहतर बनाने में आपसे प्रेरणा और ऊर्जा मिल सके। पॉपकॉर्न ट्रिप के अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।